हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज को फिर से एक आप लोग के लिए शानदार ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आप लोग के लिए यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं हेयर कहाँ से कटवाता हूँ, एंड आप लोग भी हेयर कटवाना चाहते हो यहाँ पे प्रयागराज में एंड यहाँ पे इलाहाबाद, जैसे इसको दरियाबाद कहते हैं। तो गाइस, आप लोग भी यहाँ पे रहते हो तो गाइस आप लोग भी कटवाना चाहते हो हेयर अच्छा मेरी तरीके से। तो गाइस, आप लोग को पूरा मैं विजिट करवाने वाला हूँ मैं कहाँ से कटवाता हूँ हेयर, एंड चलते हैं आज की ब्लॉग में हम लोग अपना हेयर कटवाते हैं, हेयर को थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से ये स्टाइल पूरा एंजॉय करवाता हूँ ब्लॉग का। आप लोग भी विजिट करना वहाँ पे, मैं जाके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे हेयर कटता है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं छत पे हूँ अपने, एंड अभी हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल के ऊपर एंड अपने मिराज भाई के पास चलते हैं, उनका नाम मिराज है, मिराज हेयर सैलून। तो गाइस, आप लोग भी वहाँ विजिट करना, को वहाँ पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे कटिंग दिखाता हूँ मिराज भाई की काफ़ी बवाल तरीके से। तो गाइस, आप लोग भी वहाँ जाके कटवाना चाहते हो तो गाइस आप लोग कटवा सकते हो। तो गाइस, ब्लॉग का एंजॉय करते रहो एंड मज़ा लेते रहो ब्लॉग का। चलते हैं हम लोग मिराज भाई के पास। पे देख सकते हो अपने दोस्त को लेने आया हूँ, तो देख सकते हो दोस्त यहाँ पे आने वाला है एंड यहाँ पे आ चुका है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त खड़ा है मेरा, ये आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ मिराज भाई के पास हेयर सैलून, तो वहाँ पे जाके बात कर करके आपको दिखाते हैं। अरे जियान भाई भी मिल गए रास्ते में, अचानक से पता नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं। और बताइए जियान भाई कैसे हैं? बढ़िया। जैसे कि ये हज़रत अब्बास की दरगाह है, यहाँ लोग आते आते हैं, बहुत भीड़ रहती है जुमे उमे को। तो गाइस देख सकते हो जैसे ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे आप लोग कब्रिस्तान है, बहुत से यहाँ पे जुमेरात को आते हैं, जुमे को आते हैं लोग, एंड दो कब्रिस्तान है हम लोग के यहाँ पास। तो देख सकते हो दरियाबाद का कब्रिस्तान है, एक ये अपोजिट साइड है, एक यहाँ पे ये वाला है। तो गाइस दो कब्रिस्तान है, अभी हम लोग दिखा रहे हैं, बेंड करके ऊपर से हम लोग दिखा देते हैं, इसे लेके चल रहे हैं एंड आप लोग को सीन दिखा रहे हैं कब्रिस्तान का। एंड ये चौराहा है, इसको चौराहा पार करेंगे तो हम लोग को जो पड़ेगा वो गोल पार्क पड़ेगा, एंड भट्टा चौराहा कहते हैं उसको, वो पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं एंड उसके आगे इंजॉय करते रहो आप लोग। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ये इसको भट्टा चौराहा कहा जाता है इलाहाबाद का, यहाँ पे दरियाबाद का जो है। तो गाइस अभी इसके आगे गोल पार्क पड़ेगा, वो भी दिखाएंगे अभी आप लोग। देख सकते हैं जैसे कि आगे पार्क में बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं, तो वहाँ झूल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे इसको अटाला कहते हैं। जैसे कि हम लोग को ये मोड़ना था तो हम लोग यहाँ पे ये मोड़ चुके हैं, एंड देख सकते हो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं मिराज भाई की शॉप पे, एंड आगे ही है मिराज भाई की शॉप, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं एंड आप लोग को वहाँ दिखाने वाले हैं पहुँच के। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मिराज भाई की शॉप पे, एंड देख सकते हो मिराज हेयर सैलून लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप लोग आके अपना हेयर कटवा सकते हो। तो कैसे हो मिराज भाई? बढ़िया। एक तो गाइस यहाँ देख सकते हैं मिराज भाई अभी हम लोग के जो हैं यहाँ पे हेयर कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे शेविंग कर रहे हैं, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग अपना हेयर कटवाते हैं एंड आप लोग को दिखाएंगे कैसे यहाँ पे मिराज भाई हेयर काटते हैं, मतलब हम लोग का। तो ये वाला सीन है, आप लोग यहाँ आके इनसे संपर्क कर सकते हो हेयर के बारे में, एंड बहुत बढ़िया हेयर काटते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हेयर कटवा लेते हैं, आप लोग को दिखाएंगे कैसे यहाँ पे हेयर काटता है, वीडियो बन जाएगी। चलते हैं अभी हम लोग सीन में बैठते हैं, मिराज भी हम लोग देख सकते हैं अभी के रेडी हैं बाल काटने के लिए, अभी हम लोग चलते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हेयर कटिंग हो चुका है एंड काफ़ी अच्छी हेयर कटिंग लग रही है गाइज़। आप लोग देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा दूँ। एंड आप ये हेयर कटिंग करवाना चाहते हो तो गाइज़ मिराज भाई यहाँ पे आके आप लोग विजिट कर सकते हो। एंड अभी हम लोग अपने घर के लिए चलते हैं। तो अभी हम लोग का जो हेयर कटिंग था वो हो चुका है, जैसे कि हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं तो शाम की हेयर कटिंग हो गई है। तो मिराज भाई चलते हैं नेक्स्ट टाइम।